हाय गाइस, तो जैसा कि आप में से काफी सारे बच्चों के एग्जाम थे अभी सीएचएसएल के, और अभी आने वाले शिफ्ट में भी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पता चल गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सेम टॉपिक को पढ़कर जाइए, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपको सेम टॉपिक से सवाल मिल जाए। तो आज एसएससी सीएचएसएल का शिफ्ट वन था, ठीक है। शिफ्ट वन अभी हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ सवालों को हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, काफी आसान सा सवाल था कि गंगा का ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। गंगा नदी का ओरिजिन यानी कि उद्भव जो निकलती कहां से है वो आपसे पूछा गया था। तो आपको पता है गंगा नदी जो है ये गंगोत्री या गोमुख से निकलती है जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस ऐसी जो कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं ना उनका उद्गम देख लेना है, उनका ओरिजिन देख लेना है। हो सकता है आपको आने वाले शिफ्ट में यहां से सवाल मिल जाए। तो पहला सवाल था गंगा नदी का ओरिजिन आपसे पूछा था। फिर एक और सवाल आया था, क्या सवाल आया था, आपसे पूछा गया था पुलिकट लेक के बारे में। तो मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, मैंने लेक का टॉपिक आपको पूरा पढ़ा रखा है, और पुलिकट लेक किस राज्य में है ये आपसे पूछा गया था। तो पुलिकट लेक कहाँ है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। अब आपको चिल्का लेक, वुलर लेक, सांभर लेक, जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स है ना, डल लेक, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चिल्का लेक ओडिशा में है, वुलर डल कहाँ है, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में पढ़ लेना है। तो दूसरा सवाल लेक टॉपिक से आया था जहां आपसे पुलिकट लेक के बारे में पूछा गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया था ह्यूमन ब्लड का पीएच, ठीक है। क्या पूछा गया था, ह्यूमन ब्लड का पीएच, बायोलॉजी का ये सवाल था। और आप में से काफी सारे बच्चों को पता होगा ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 से 7.7 के बीच में होता है, और एग्जाम में जो ऑप्शन था वो था 7.4। तो यहां से आपको जितने भी पीएच वैल्यू है ना उनको पढ़कर जाना है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो सवाल आया था वो आपसे पूछा गया था बेसिकली किसके बारे में, कि जो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो का एक्सकवेशन यानी कि इसकी जो खुदाई है वो किसने करवाई थी। तो मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई है वो किसने करवाई थी, आरडी बनर्जी ने, ठीक है। तो यही आप ये भी देख लीजिएगा कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी, तो हड़प्पा की खुदाई कराई थी दयाराम साहनी ने, ओके। तो यहां से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी जगहें हैं उनकी खुदाई किसने करवाई और कब करवाई ये पढ़कर जाना है। हो सकता है आपको आने वाले शिफ्ट में यहां से सवाल मिल जाए। अगला सवाल देखिए, एक सवाल पूछा गया था प्रेसिडेंट की मिनिमम एज, यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता ही है राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 35 ईयर्स। मैंने प्रेसिडेंट का टॉपिक आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। इसके अलावा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल, गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको मिनिमम एज से पढ़ना है, और आपको बाकी लोगों के भी पढ़ लेने हैं, सीजेआई पढ़ लीजिएगा, सीएजी पढ़ लीजिएगा, इन सब के भी जो डिटेल्स हैं मिनिमम मैक्सिमम एज वो आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बहुत बार, जब भी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाती हूँ, मैं आपको हर एक स्टेट जो पढ़ाती हूँ उसके सीएम और गवर्नर जरूर बताती हूँ। तो एक सवाल आया था हरियाणा के सीएम के बारे में। यहाँ थोड़ा सा डाउट है कि सीएम आया था या गवर्नर आया था, बट मेरे ख्याल से सीएम आया था क्योंकि ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है। और हरियाणा के जो सीएम है वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर। कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और आपको पता ही है हरियाणा के डेप्यूटी सीएम कौन है, दुष्यंत सिंह चौटाला। गवर्नर आपको याद रखना है एसएन आर्या है यहाँ के गवर्नर, ठीक है। तो एक सवाल आपका यहां से आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चों ने बोला है कि केरला के गवर्नर पूछे गए हैं, तो केरला के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ये काफी न्यूज में रहे रिसेंटली, तो आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। तो यानी कि एक सवाल आपका सीएम और गवर्नर से आया है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि करंट अफेयर्स कब तक का पूछा गया है, तो करंट अफेयर्स सितंबर तक का पूछा गया है। मैंने आपको बार बार बोला था एग्जाम अक्टूबर में है, सितंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़कर जाइएगा, और सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपसे एग्जाम में पूछा गया है। चलिए सवाल एक और देखते हैं। एक सवाल आपसे पूछा गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में,
किसके बारे में? स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछी गई है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो कितनी है? 182, ठीक है। किसके बारे में है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहां है? गुजरात में, ठीक है। यहां से आपको एक और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है जो कि अहमदाबाद में है, उसके बारे में भी पढ़कर जाना है, ठीक है। तो इन दोनों स्टैचू को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी बाकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपसे इसके बारे में और कोई सवाल आ जाए। अच्छा, इसके बाद आपसे एक सवाल पूछा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में? न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। तो आपको पता ही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो अभी चेंज हुए हैं। कौन? केवी कामत की जगह किसको अपॉइंट किया गया है? बेसिकली केवी कामत की जगह मार्कोस तोरोजियो, ठीक है, मार्कोस तोरोजियो को अपॉइंट किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स नेशन का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां है? चाइना के शंघाई में। तो यहां से आपको क्या पढ़ना है? आपको जितने भी स्पेशली एशियन बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, इसके अलावा आपको एआईआईबी, इन सब की डिटेल्स पढ़कर जानी है। बट ये करंट अफेयर्स का सवाल था इसलिए ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला है। अच्छा, एक सवाल आपका आया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को लेकर। किसके बारे में? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को लेकर सवाल आया था। और आपको पता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसको मिला है? ये मिला है अमिताभ बच्चन को। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आपसे साइंस का पूछा गया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन में जो जंग लगता है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? ग्लेवनाइजेशन, ठीक है, ऑयलिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे कि उसमें जंग नहीं लगे, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा गया था मालदीव्स के प्रेसिडेंट के बारे में। ये भी कुछ टाइम पहले अपॉइंट किए गए थे, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बार बार पढ़ाया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। मालदीव्स की राजधानी क्या है? माले, और यहां करेंसी क्या चलती है? रुफिया। डन, तो ये सवाल आपका मालदीव्स के बारे में आया था। तो रिसेंटली जितने भी अपॉइंटमेंट हुई है देशों की वो पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में वहां से सवाल मिल जाए। ओके, इसके बाद एक सवाल आया था किसके बारे में? एक सवाल आया था क्रिस्टल अवार्ड, ठीक है, क्रिस्टल अवार्ड पूछा गया था। क्रिस्टल अवार्ड बहुत सारे लोगों को मिला था, पर जब ये दिया गया था मैंने आपको बोला था कि हमारे देश से जिसको मिला है आपको वो याद रखना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब मीटिंग हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कब हुई थी? जनवरी में। उसी टाइम पर यह अवार्ड मेंटल हेल्थ की लड़ाई के लिए किसको दिया गया था? दीपिका पादुकोण को। किसको दिया गया था? दीपिका पादुकोण को। यस, दीपिका पादुकोण जो अभी रिसेंटली ड्रग्स केस में भी फंसी थी, तो उनको ये अवार्ड दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा और अवार्ड क्या था? एक आपसे पूछा गया था एशिया और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है? एशिया और अफ्रीका को कौन सा सागर अलग करता है? तो ये कौन सा है? लाल सागर, ठीक है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो आपको अब ज्योग्राफी से जितने भी पॉइंट हैं, जो जो अलग अलग करते हैं अलग अलग देशों को या अलग अलग कॉन्टिनेंट को, वो आपको पढ़ लेना है। अच्छा, एक सवाल आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो आपको पता ही है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किसके बारे में है? पंचायती राज के बारे में, ठीक है। तो 73rd 74th दोनों डिटेल में मैंने आपको हर एक पॉइंट समझाया हुआ है। तो पंचायती राज का जो ये बेसिकली आपके सामने पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। 74th किससे रिलेटेड है? 74th म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, यानी कि नगर निगम वाला जो है वो 74th है। तो ये दोनों ही अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं हमारे संविधान में, ये इन दोनों अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू एड हुए थे। अच्छा, और सवाल क्या आया था आपसे? नेशनल, अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में मैंने आपको बताया, तो उनके बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि नेशनल यूनिटी डे जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि पर मनाया जाता है, यानी कि 31 अक्टूबर को, अभी आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और सवाल रुकिए मैं देख लूं और क्या क्या सवाल मुझे मिले हैं, ठीक है।
अच्छा डेज से आपके कई सारे सवाल आए थे, डेज से आपके कई सारे सवाल पूछे गए हैं। तो एक सवाल आया था कॉन्स्टिट्यूशनल डे के बारे में, संविधान दिवस के बारे में, आपको मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है। और संविधान दिवस 26 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, मैंने आपको बताया था। इस दिन हमारा संविधान पास हुआ था 1949 में, और ये अडॉप्ट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा रिपब्लिक डे के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला सवाल क्या आया था। अच्छा एक सवाल आया था स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर आपसे पूछा गया था, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर आपसे पूछा गया था। तो स्पीकर कौन है, स्पीकर है ओम बिरला, जो कहां से है, कोटा से। ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर का नाम क्या है, डेप्यूटी स्पीकर का नाम है एम थंबी दुरी। ठीक है, क्या नाम है, एम थंबी दुरी। तो ये डेप्यूटी स्पीकर है और ये क्या है, ये स्पीकर है ओम बिरला। तो यहां आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन राज्यसभा के बारे में भी याद रखना है। चेयरमैन तो आप सबको पता है, हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है एम येदुरप्पा। राज्यसभा का वाइस चेयरमैन कौन है, ये बहुत न्यूज में थे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एक सवाल वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भी आया था, वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यानी कि डे से काफी सारे सवाल आए थे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नेशनल साइंस डे भी पूछा गया था, क्या पूछा गया था, नेशनल साइंस डे। तो आपको पता है नेशनल साइंस डे 26 फरवरी। इसके अलावा डे से एक सवाल और आया था, वर्ल्ड थायराइड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड थायराइड डे ये 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये काफी सारे सवाल है जो डे से आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा सवाल आया था एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा गया था। ठीक है, एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा गया था। रिसेंटली एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई है, मानुषी चिल्लर। ठीक है, मानुषी चिल्लर ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है एडिडास की रिसेंटली। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, अच्छा आपसे आईएमएफ की हेड पूछी गई थी, आईएमएफ की हेड पूछी गई थी। तो आपको पता है क्रिस्टलीना जॉर्जविया जो है ये आईएमएफ की हेड है, वर्ल्ड बैंक की हेड याद रखिएगा ये है डेविड मलपास। ओके, दोनों का ही मुख्यालय कहाँ है, दोनों का ही मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा एक सवाल और आया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आया था, कुछ बोल रहे हैं नहीं आया था। तो ध्यान रखिएगा, एक सवाल आया था कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब एडॉप्ट किया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये कब एडॉप्ट किया गया था, ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ठीक है, अच्छा एक सवाल आया था किस पे, एक सवाल आया था फादर ऑफ बायोलॉजी, किस पे आया था, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, बायोलॉजी या जूलॉजी कोई तो एक सवाल आया था, एक बार मैं देख लेती हूं, रुकिए। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी आया था। तो फादर ऑफ बायोलॉजी का आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल। ठीक है, अगर जूलॉजी पूछा जाए तब भी आंसर क्या होगा, तब भी आंसर एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है वही होगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल आपसे पूछा गया था सीएजी के बारे में, हमारे देश के नए सीएजी कौन बनाए गए। तो मैंने आपको बताया ही था कि जम्मू एंड कश्मीर के जो फॉर्मर एलजी थे जीसी मुर्मू, इनको हमारे देश का क्या बना दिया गया है, नया सीएजी बना दिया गया है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां से जितनी भी रिसेंटली है ना, जैसे कि सीजीआई आपको याद रखना है, आपको यूपीएससी के चेयरमैन याद रखने हैं, जितने भी अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुई है बीएसएफ में, जैसे अभी राकेश अस्थाना डीजी बने हैं, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा एक सवाल आया था सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन हमारे देश में कौन सी नदी बनाती है। तो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी बनाती है, गोदावरी। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, गंगा। अगर दुनिया में लार्जेस्ट पूछी जाए तब आप आंसर क्या करेंगे, अमेज़न। ठीक है, अच्छा और आपसे यूएसए इलेक्शन की डेट पूछी गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप इतना न्यूज में है, ये इलेक्शन इतना न्यूज में आ गया है, तो यूएसए की इलेक्शन डेट पूछी गई थी जो 3 नवंबर को है। ठीक है, अभी आने वाले 3 तारीख को यूएसए की इलेक्शन डेट है, ये आपसे पूछा गया था।
अच्छा एग्जैक्टली सवाल नहीं पता, पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक सवाल चंद्रगुप्त मौर्य पे आया था, एक सवाल अकबर पे आया था और एक सवाल अलाउद्दीन खिलजी पर आया था। तो यानी कि आपसे हिस्ट्री में मिडिविल और एंशिएंट दोनों से ही सवाल आया हुआ है। ठीक है, और ठीक है, एक सवाल आपसे आया था झारखंड के सीएम के बारे में। तो आपको पता ही है झारखंड इलेक्शन अभी थोड़े टाइम पहले ही हुआ है, और झारखंड के नए सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। तो जितने भी नए इलेक्शन हुए हैं और नहीं भी जहां हुए हैं, आपको उनके सीएम और गवर्नर पढ़ लेने हैं, यहां से सवाल आया है। और झारखंड की गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, अभी तो इतने ही सवाल मुझे मिले हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, बाकी जैसे जैसे मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। एक सवाल कुछ बच्चे बोल रहे हैं बट ये सवाल मुझे सिर्फ एक ही जगह मिला है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल आया था कि राज्यों को सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से मिलता है, तो राज्यों को सबसे ज्यादा टैक्स स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से मिलता है। ठीक है, अच्छा आई गेस अभी मेरे पास इतने ही सवाल हैं, जैसे मेरे पास और सवाल आएंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, फिर हम सारे शिफ्ट के सवाल एक साथ करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर फटाफट मैं इस सेशन को यहीं खत्म करती हूँ। जैसे मेरे पास और सवाल आएंगे मैं और सवालों के साथ आपके पास अवेलेबल होंगी, आपके सामने होंगी, तो हम बाकी जो सवाल आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट इस सेशन को मैं यहीं खत्म करती हूँ। आने वाले शिफ्ट में जिन भी बच्चों के एग्जाम्स हैं वो इन टॉपिक को एक बार रिवाइज करके जाइएगा, हो सकता है आपको यहाँ से सवाल मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस एंड जय हिंद।